शब्द भेद के चार प्रकार हैं। पहला संज्ञा, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा सर्वनाम, जिसके अंतर्गत है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चौथा क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। शब्द भेद का जो प्रश्न है वो दो अंकों के लिए पूछा जाता है, जिसमें पहला अंक वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखना होता है। उदाहरण के लिए, वह भोली लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। इस वाक्य में वह भोली लक्ष्मी बेचना चाहता, ये सारे शब्द अधोरेखांकित है जिनके आपको भेद लिखने होते हैं। दूसरा, उन्हें और सिरचंद को एक सप्ताह लगेगा, उन्हें सिरचंद एक लगेगा। अब हम इन शब्दों के शब्द भेद देखते हैं। उदाहरण के लिए, वह उन्हें सर्वनाम है, भोली एक विशेषण है, लक्ष्मी सिरचंद संज्ञा है, बेचना चाहना लगेगा क्रिया है। बच्चों यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ जो मैंने आपको उदाहरण दिया है उसमें मैंने चार से पांच शब्द अधोरेखांकित किए हैं, परंतु बोर्ड के एग्जाम में आपको केवल एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में एक ही शब्द अधोरेखांकित किया जाएगा, तो आपको उसी एक शब्द का शब्द भेद लिखना है। शब्द भेद का दूसरा तरीका, जो पुनः एक अंक के लिए पूछा जाता है, जिसमें दिए गए शब्द का स्वतंत्र एवं सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं, जो शब्द है अलमारी, संचालन, अस्तांचल, आंदोलन। अब इन चार शब्दों के आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला वाक्य प्रयोग है, तुम्हारी अलमारी तो कीमती कपड़ों से भरी पड़ी है। दूसरा, आश्रम के संचालन का काम महिला के जिम्मे होना चाहिए। तीसरा, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। चौथा, मेरे पिताजी सामाजिक आंदोलन के मुख्य सदस्य थे। बच्चों आपने यहाँ देखा, जो शब्द मुझे दिए गए थे मैंने उन शब्दों का सार्थक एवं स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग किया है। आपको भी ठीक इसी प्रकार दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर कर एक अंक लेना। धन्यवाद।